एक डॉक्टर और एक वकील दोनों एक ही लड़की को प्यार करते थे। तो जब भी डॉक्टर साहब लड़की से मिलने जाते थे तो डॉक्टर साहब हमेशा लड़की को एक रेड रोज देते थे, गुलाब देते थे, और वकील जब मिलने जाते थे तो उनको एक सेब देते थे, एप्पल देते थे। तो लड़की ने एक दिन वकील साहब से पूछा कि प्यार में लाल गुलाब का तो मतलब समझ में आता है, ये सेब का क्या मतलब है? कि वकील साहब ने बोला कि डेली खाया हुआ एक सेब हमेशा डॉक्टर को दूर रखता है। शादी के दो दिन बाद दूल्हा उसी ब्यूटी पार्लर में गया जहां से उसकी बीवी ने मेकअप करवाया था। उसने पार्लर वाली मैडम को एक आईफोन गिफ्ट किया, थैंक यू बोला और वहां से चला गया। मैडम ने खुशी के मारे आईफोन का डिब्बा खोला तो उसमें नोकिया 1100 पड़ा था और साथ में एक पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था सेम फीलिंग हियर कि हमार चैन रहलू, हमार चैन रहलू, करार रहलू, तू ही पहला पहला प्यार रहलू। हमार चैन रहलू, करार रहलू, तू ही पहला पहला प्यार रहलू, और तू तो ब्याह कके चल देहलू लेकिन पियवा से पहले। सुनो, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। अरे यार, अभी मैं थोड़ा सा मीटिंग के लिए ना देर हो रही है मुझे, शाम को बात करें हम। मुझे मीटिंग के बारे में बात करनी है जो तुम 2 दिन पहले करके आए हो। हाँ तो क्या हुआ, मीटिंग में गया था मैं? तुम उस दिन घर क्यों नहीं आए थे? अरे घर इसलिए नहीं आया था क्योंकि वो रवि बोलने लगा कि वो पंचायत सीरीज साथ में देखते हैं, वो पंचायत 3 रिलीज हुई है ना, तो जैसे ही मुझे देखने लगे, यार थोड़ी सी देखी तभी नींद आ गई, पता ही नहीं चला कब सो गया मैं, 10:30 से पहले ही सो गया हूँ मैं तो, और सुबह 4 बजे उठ भी गया था। नहीं, जब तुम जल्दी सो गए थे, सुबह 4 बजे उठ गए तो तुम पे घर क्यों नहीं आया गया? आधा घंटे का तो रास्ता है हमारा। अरे मैं ही तो सोया था, रवि थोड़ा ही ना सोया था। रवि नहीं सो पाया तो ये क्या, रवि तो गुड़गांव निकल गया था तभी, और उसने ही सुबह आके फिर मुझे 4 बजे जगाया। अरे सुन लिया ना, उठ गए थे तुम 4 बजे, आगे बताओ। अरे वही तो कह रहा हूँ, मुझे क्या पता था वो गुड़गांव चला जाएगा दारू लेने, रात को ठेके तो बंद हो गए थे यहाँ पे 10 बजे, वो 4 बजे ले आया भाई पूरा खंबा वहीं से गुड़गांव से। 4 बजे भी तुमने उठ के दारू पी है तो बंदे की यार डेडिकेशन देखो, उसकी यार मेहनत देखो, उसे ऐसे ही थोड़े ना ठुकरा के आ जाता। तो कोई मीटिंग मीटिंग नहीं जा रहे तुम, चेंज करो, घर बैठोगे तुम। अरे वो उस दिन का खंबा बचाओ रखा है। मोटा ताजा लौंडा, कम से कम 2 लाख रुपए तो लेकर मानूंगा। हेलो हेलो, किडनैपर जय बात कर रहे हो, मैंने तेरा लौंडा किडनैप कर लिया। कोई बात नहीं है, खेल ले, मगर शाम को छोड़ जाइए। खेल ले ये रबड़ का यार, अगर तुझे अपना लौंडा चाहिए तो कम से कम 2 लाख रुपए लेकर आ जा। 2 लाख मेरा भाई तू ही रख ले, मैं दूसरा बना लूंगा। दूसरा बना लूंगा भाड़ू, तू छाप रहा बच्चे, आखिरी रेट बता रहे हो 1.5 लाख रुपए दे। देख इतने पैसों में ले नहीं पा पाऊंगा, तू अपना कहीं और बेच। अरे मैंने तेरे घर था यार लोटा चुराया, जो बेच लूंगा कहीं और। अरे तो कोई लेन देन वाली बात कर मेरा भाई, 1 लाख रुपए देगा? सारे खर्चे निपटाया का 45,000 का तो जो मुझे घर पड़ा। आखा ए सही बताइए, ये तेरा ही है या ताश में जीता तू? अरे नहीं अपना ही है यार। अरे तो कितने रुपए देगा? रुपए दूंगा 300। 300 रुपए थर्माकोल से बच्चे बना रहे हैं तू, कर क्या रहा यार, 400 रुपए का तो पेट्रोल लग गया। तो तू लेकर क्यों गया गाड़ी, मेरा लौंडा तो पैदल चला जाता। किडनैपर अंकल, बर्फ की कुल्फी खाऊंगा। कुल्फी तुझे खिलाऊंगा मैं, कुल्फा।